हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ इनिंग। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए किडनी से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें मैं आपके साथ किडनी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सत्य और प्रामाणिक जानकारियाँ शेयर करता हूँ, ताकि आप जो भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें और अपनी बीमारी के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड में अपनी लाइफ को जी सकें। तो फ्रेंड, इसी उद्देश्य के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, किडनी फेल होने के बाद एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं और फ्रेंड साथ में ही उसका जो यूरिन का आउटपुट होता है फ्रेंड, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो फ्रेंड, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनका तो यूरिन आउटपुट थोड़े समय के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, ऐसा क्या करें कि आपका यूरिन का आउटपुट, जिनके भी डायलिसिस नहीं हो रहे उनका और अच्छा हो सके और जो एक डायलिसिस पेशेंट है उसका भी यूरिन का आउटपुट धीरे धीरे शुरू हो सके। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर्दियां खत्म हो गई, अब गर्मियां आने वाली हैं। तो फ्रेंड, इन गर्मियों में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो कि मूत्रवर्धक होते हैं, जो कि डायरियोटिक का काम करते हैं, जो कि फ्रेंड डायरियोटिक का काम करते हैं। फ्रेंड, डायरियोटिक का मतलब होता है सांप को बढ़ाना या मूत्रवर्धक। तो फ्रेंड, आज हम ऐसे ही फल के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्रेंड आपको यूरिन का आउटपुट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देगा, अगर आप उसका पूरा गर्मियों में अच्छे से इस्तेमाल करते रहेंगे तो। फ्रेंड, अगर आपको सही जानकारी होगी अपनी डाइट के बारे में, अगर आप सही फ्रूट्स और सही सब्जियों के बारे में आपको सही से जानकारी मिलेगी तो फ्रेंड आप उनका इस्तेमाल करके अपना यूरिन का आउटपुट लेवल भी बढ़ा पाएंगे और साथ में अपना क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल, किडनी है उसके नेफ्रॉन्स अच्छे से काम करेंगे और जो आपका ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया की क्वांटिटी बढ़ी हुई है तो फ्रेंड वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा। फ्रेंड, जिनको यूरिन नहीं आता है उनके लिए ये फ्रूट बहुत अच्छा काम करेंगे। जो पेशेंट्स होते हैं उनको सही जानकारी का अभाव रहता है, इसकी वजह से ही वो सही से जो फ्रूट्स होते हैं जो रियल में उनकी हेल्प कर सकते हैं उनका उनको ज्ञान नहीं होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको सही जानकारी दी जाए तो आप उनका इस्तेमाल करके और फ्रेंड अपने यूरिन के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम ऐसे ही फ्रूट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, उस फ्रूट का नाम है वाटरमेलन। तो फ्रेंड, वाटरमेलन वैसे तो अब बारहमासी अवेलेबल रहता है, लेकिन सीजन के हिसाब से फ्रूट खाते हैं तो उसका कुछ अलग ही महत्व होता है, क्योंकि फ्रेंड जो सीजन में फ्रूट खाए जाते हैं उनका असर आपकी बॉडी पे पूरे साल भर रहता है। तो इसलिए सीजन के हिसाब से ही आप फ्रूट खाएं वो बेहतर रहेगा। अगर गर्मियों का फ्रूट आप सर्दियों में खाते हैं तो फ्रेंड वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए फ्रेंड अच्छा नहीं होगा। नेचर ने हमको ये फ्रूट्स अगर गर्मियों में दिए हैं तो फ्रेंड कुछ सोच के ही दिए हैं, और फ्रेंड जो फ्रूट सर्दियों में दिए हैं वो फ्रेंड नेचर ने कुछ सोच के ही हमको सर्दियों में दिए हैं। तो फ्रेंड, सबका अपना अपना महत्व है। इसी तरीके से जो गर्मियों का फ्रूट है वाटरमेलन, जिसको हिंदी में तरबूज बोला जाते हैं, फ्रेंड इसका बहुत ज्यादा महत्व है एक किडनी रोगी के लिए। फ्रेंड, सबसे ज्यादा तो ये काम करता है डायरियोटिक का। फ्रेंड, अगर आपके डायलिसिस नहीं हो रहे हैं और आपका यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है तो फ्रेंड आप आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, आप इसको 100 ग्राम के आसपास डेली फ्रेंड सुबह इसका जूस पी सकते हैं, या फ्रेंड आप इसको शाम को 4 या 5 के बीच में इसको रो खा सकते हैं, जैसा खाया जाता है उस हिसाब से लाल वाला पीस निकाल करके काट के आप 100 ग्राम के आसपास इसको खा सकते हैं। फ्रेंड, जो इसके बीज होते हैं वो भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट का काम करते हैं। फ्रेंड, इसके बीज में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो आपके लीवर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए फ्रेंड बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा, इसके बीजों में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे आपको कब्ज की और आपके मल जो आपके आंतों में जमा रहता है फ्रेंड उसकी समस्या धीमे धीमे समाप्त होने लग जाती है। फ्रेंड, जो वाटरमेलन होता है इसके अंदर बहुत सारे डायरियोटिक गुण होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि डायरियोटिक होते हैं, जो कि आपको पेशाब बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। फ्रेंड, दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेशन होता है फ्रेंड, क्योंकि ये सूजन को भी कम करता है। अगर आपकी किडनी पे सूजन आ रही है या आपके बॉडी के किसी अंदरूनी पार्ट पे सूजन आ रही है तो फ्रेंड उस पर भी ये बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है। फ्रेंड, इसके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रेंड नेचुरल होती है, इसलिए इसकी शुगर भी आपको इतना ज्यादा हार्म नहीं करती है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती है। तो फ्रेंड, आप वाटरमेलन डेली सुबह
या तो 100 ग्राम रो खाइए या फ्रेंड इसका जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। वैसे ही आप शाम को 100 ml इसका जूस या तो पी सकते हैं या इसको रो खा सकते हैं। फ्रेंड अगर आप इसको पूरी गर्मियों भर खाते हैं तो इसका जो आप बेनिफिट देख करके चौंक जाएंगे फ्रेंड, इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड आपको ये फ्रूट के बारे में मुझे जानकारी देनी थी क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप खाएंगे नहीं, आप सोचेंगे मेरी बॉडी में पानी भर जाएगा। नहीं फ्रेंड, आप इसको जरूर खाइएगा। और ये इसमें पोटेशियम बिल्कुल नहीं होता है और ये आपको यूरिन बढ़ा करके देगा क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि पेशाब बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, फ्रेंड लाइक भी करिएगा और कोई प्रॉब्लम आया तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।